हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के जो वीडियो होने वाले हैं ना, वो हमारी है चैप्टर 2 साइंस का है, ये क्लास 8 की है, ये माइक्रो ऑर्गेनम्स फ्रेंड इन 4। सो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपकी लाइफ से रिलेटेड भी है, आपको मज़ा भी आएगा और ईजी भी है, ठीक है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस, इसका शायद ये बहुत थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसलिए हम इसके थोड़े पार्ट्स बना के करेंगे, ठीक है। 1, 2, 3 या 4 में पार्ट्स में कहीं जाएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपने बहुत तरह के प्लांट्स और एनिमल्स तो देखे ही होंगे। हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिम्स अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी। और हमारे आस पास ऐसे जीव होते हैं जो हमें आसानी से नहीं देख पाते। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिम्स एंड माइक्रोब्स। इतने हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिम्स और माइक्रोब्स। अंडरस्टूड? ओके, आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग रेनी सीजन ब्रेड गेट स्पॉइल्ड एंड इट्स सरफेस गेट कवर्ड विद ग्रेश वाइट पीचेस। सो देखो, इन्होंने बोलेगी अगर आप एक ब्रेड है आपका, ठीक है, अगर आपको थोड़ा जब वैसे बारिश का मौसम है, ऐसे ऐसे क्लाउडी क्लाउड बारिश का मौसम हो जब, तो क्या होगा अगर आप उसको हेस हो जाए, उसके ऊपर ना ग्रे ग्रे कलर के ऐसे ऐसे करके पीचेस से आ जाएंगे। खराब खराब से लगता है ना, ठीक है। ये देखो, ऐसे ऐसे करके पीचेस आ जाते हैं, आते हैं ना, ये आते हैं, हाँ, ऐसे ऐसे करके पेचेस आ जाते हैं। क्या होता है इससे कि ये जो पेचेस होते हैं ना, ये इतने बड़े, मैं आपको बड़ा वाला करके दिखाती हूँ। ये पेचेस ना इस तरह होते हैं, ग्रे में ब्लैक कलर है, ठीक है। इसका जो ये कवर होते हैं ब्लैक राउंडेड, ये ब्लैक कलर के होते हैं। इसकी जो राउंडेड बाउंड्री बनी होती है वो ब्लैक कलर की होती है, ठीक है। अभी आगे आगे देखना, ये रहा। यू विल सी टाइनी ब्लैक ग्राउंडेड स्ट्रक्चर। तो आपको ब्लैक राउंडेड ब्लैक स्ट्रक्चर दिखेगा अगर आप इसको मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए देखोगे। डू यू नो व्हाट दिस स्ट्रक्चर आर एंड वेयर डू दिस कम फ्रॉम। क्या आपने कभी सोचा है कि ये स्ट्रक्चर होते क्या हैं और आते कहाँ से हैं। अच्छा, मैं इस चैप्टर में पढ़ता हूँ। ये माइक्रो ऑर्गेनिम्स एक्टिविटीज दे रखी है ना, ये वाली वाला हम किसी और वीडियो में बना के करेंगे, ठीक है। अभी हम चैप्टर पे फोकस करते हैं, बिकॉज हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा ना फिर, ठीक है। तो चल रहा था। डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिम्स मूविंग अराउंड। आपने कभी देखा है कि जो छोटे छोटे जीव होते हैं कि आपके आसपास घूम रहे हैं। दीज ऑब्जर्वेशन शो दैट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिम्स। ये मतलब इन्होंने यहाँ पे एक्टिविटी कुछ करी होगी, तो उन्होंने बोला कि ये ऑब्जर्वेशन हमें दिखाता है कि जो ये पानी और मिट्टी है वो पूरी तरह से टाइनी ऑर्गेनिम्स से, छोटे छोटे जीवों से भरी पड़ी है, ठीक है। थोग नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। देखो ये मेन पॉइंट, देखो मतलब इन्होंने बोला है कि सारे जितने भी माइक्रोब्स होते हैं, सारे जितने भी ऑर्गेनिम्स होते हैं, सारे माइक्रोब्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं, ठीक है। दीज माइक्रो ऑर्गेनिम्स और माइक्रोब आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। उन्होंने बोला है कि ये जो छोटे जीव होते हैं, ये इतने आसानी से नहीं दिख पाते हम, अगर इसे बहुत छोटे साइज में होते, इसलिए हम अपने नॉर्मल आई से नहीं देख सकते। सम ऑफ दिस सच एज फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड। जैसे कि फंगस जो कि हमारे ब्रेड पे ग्रो होती है, आप अभी मैंने आपको बताया था, जैसे कि जो ब्रेड होते हैं जिसके ऊपर मैंने आपको बताया पीछे से जाते हैं। अगर कोई पूछे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है, तो आप कहते हैं ना फंगी या फंगस, ठीक है, फंगस बोल रहे हैं आप, ठीक है। इंडस्ट्री क्या है, फंगी, ठीक है। अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। लेकिन जो दूसरे होते हैं वो बिना माइक्रोस्कोप के जरिए नहीं देखे जा सकते हैं, ठीक है। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिम्स और माइक्रोब। इसीलिए इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिम्स या माइक्रोब्स कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिम्स आर क्लासिफाइड
Sorry. Microorganisms are classified into four major groups. These groups are bacteria, fungi, protozoa and some algae. तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि माइक्रो जो ऑर्गेनिम्स होते हैं वो चार मेजर ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं. कौन कौन से अभी देखते हैं. बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और कुछ एल्गे. ठीक है, इनकी पिक्चर्स अभी आगे आएगी. ठीक है, चलो पढ़ते हैं. वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक. वायरस जो होते हैं वो भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं लेकिन वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिम्स से अलग होते हैं. दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल होस्ट एनिमल. ये सिर्फ होस्ट एनिमल के होस्ट ऑर्गेनम्स के ऊपर ही ग्रो कर सकते हैं. और अगर जैसे अगर कोई इंसान की कोई ऑर्गन इसे होस्ट में रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी इसको कहीं मर जाएगी, खुद ही मर जाएंगे. विच मे बी अ बैक्टीरियम, जो कि बैक्टीरियम भी हो सकता है. प्लांट और एनिमल, बैक्टीरियम प्लांट और एनिमल सकता है. सम ऑफ द वायरसेज आर शोन इन फिगर 2.5. कुछ ऐसे मतलब वायरस की पिक्चर 2.5 में दिखा रखी है. कॉमन वायरस आर शोन इन फिगर 2.5. मतलब सॉरी, कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, मतलब कॉमन बीमारियाँ जो हमें होती है जैसे खांसी हो गया, बुखार हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, उसे हम फ्लू भी बोलते हैं. आपको पता है अभी एक को डिजीज़ बहुत फैला है, आई फ्लू इन्फ्लुएंजा. ये हर किसी को हो रहा है. ठीक है, सो आपको इससे बहुत ज़्यादा केयरफुल लेना है क्योंकि ये सीरियस डिजीज़ भी हो सकती है. क्योंकि ये हमारे आई कांटेक्ट की वजह से भी फैलती है. या अगर हम कोई प्रॉब्लम है हमें तो हमें घर में सेफ रहना चाहिए. ठीक है, सो इन सारी बीमारी से हमें बच के रहना चाहिए. ठीक है, एंड मोस्ट कफ्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस. और कुछ मतलब खांसी भी, ये सारी बीमारियां वायरस के वजह से. जो भी मैंने आपको बताया कि आई फ्लू फैला है ना, ये भी एक वायरस है. ऐसे अभी कोरोना फैला था, कोविड फैला था ना अभी, ऐसी अब फैला है ये कौन सा, आई फ्लू. हर महीने कोई ना कोई डिजीज होती है क्योंकि हम गंदगी इतनी रखते हैं, है ना. आगे बढ़ता है. सीरियस डिजीजेज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरसेस. ज़्यादा सीरियस बीमारियाँ जो होती है ना जो कि वायरस की वजह से होती है वो कौन सी होती है, पोलियो और चिकन पॉक्स. देखो पोलियो क्या होता है, मतलब आपने देखा होगा कि बच्चे के पैर में ना मतलब पोलियो की प्रॉब्लम हो जाती है किसी चीज़ में, हमारे बॉडी के अंदर पोलियो की बीमारी हो जाती है. ठीक है, चिकन पॉक्स तो नॉर्मल है, मतलब तो छोटे छोटे दानों हो जाते हैं. तो आपने देखा कि अगर कोई ऐसा बच्चा आता है तो जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, अगर उसको चिकन पॉक्स है तो उसे दूसरे क्लास में बैठाया जाता है या वो छुट्टी कर देते हैं उसकी. लेकिन अगर उसका आने का बहुत देर है स्कूल तो उसको दूसरी क्लास में बैठाया जाता है ना, ताकि ये वायरस जो होता है बहुत जल्दी फैलता है. जैसा भी आपको पता है कि जब वायरस होते हैं ना इन्हें होस्ट चाहिए होता है. अगर होस्ट ऑर्गेनम्स नहीं मिलेंगे तो खुद ही मर जाएंगे. ठीक है, डिजीज लाइक डायसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ. मतलब बीमारियाँ जैसे जो प्रोटोजोआ से होती है वो डायसेंट्री है और मलेरिया. ठीक है, और टाइफाइड और टीबी ट्यूबरक्लोसिस ये होती है बैक्टीरिया की बीमारियाँ. ठीक है, यू हैव लर्न अबाउट सम ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिम्स इन क्लास 6 और 7. आपने ऐसी कुछ बीमारियाँ देखी होंगी, आपने पढ़ी होंगी क्लास 6 और 7 में. ठीक है, दैट्स इट. सो गाइस देखो ये बैक्टीरिया के वो हैं. ठीक है, ये है एल्गे के, क्या ये क्लैमीडोमोनस और स्प्रोग्या. ठीक है, ये है प्रोटोजोआ के अमीबा एंड पैरामेशियम. ये है ब्रेड मोल्ड, ये फंगी का ब्रेड मोल्ड है और पेनिसिलम और एस्परगुलस. ठीक है, सो आज के लिए बस हम इतने ही रखते हैं. ठीक है, अब हम दूसरे उसमें पार्ट में ये वाला पार्ट पढ़ेंगे. ठीक है, ये वाला कौन सा है, पेज नंबर 19. ठीक है,
देखते हैं कि आगे कितना जल्दी होता है। इंशाल्लाह मैं सोचूंगी कि जल्दी हो जाए। ठीक है, जब तक लिए अल्लाह हाफिज़। ठीक है गाइस, आपको मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर मी, बिकॉज गाइस आई डू लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क फॉर दिस। प्लीज़ गाइस मेरी ये हेल्प करेगा क्योंकि मेरे अभी एटलीस्ट 50 लाइक्स भी पूरे नहीं हुए। एटलीस्ट 50 हो जाए बहुत बड़ी बात है। 1000 तो बाद में होंगे, 100 के देखा जाएगा फिर। गाइस प्लीज़ मेरी हेल्प करें, मेरे लाइक्स नहीं होते, मतलब ना लाइक करते, एटलीस्ट आप मेरे एक लाइक नहीं करते वीडियो को। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई वीडियो। बाय बाय।